हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग इन वॉल स्ट्रीट। माय नेम इज़ योगेश कुमार एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वी गोना सी इन द वीडियो हाउ टू ड्रॉ देम एंड हाउ टू ट्रेड ऑन देम। ओके, एंड वी गोना कवर अ शॉर्ट इन्फो अबाउट ट्रेंड लाइन्स एज वेल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी आर गोइंग टू डू दिस इन अ क्रिप्टो। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वो थोड़ा सा गूगल करके आ सकते हैं, और जिनको पता है और जो स्टार्टर्स हैं, लाइक जो बिगनर्स हैं बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी में, ट्रेडिंग्स में, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ करना सीख सकते हैं। और जो अपनी स्किल्स को सुधारना चाहते हैं, एक लाइक स्किल्स को और इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी एज के लिए, तो वो इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के थ्रू अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं कि कहाँ ट्रैप नहीं होना है, कहाँ लाइक फालतू की ट्रेड नहीं करनी है कि पता चला जस्ट हल्का सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और हमने ट्रेड ले लिया, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और फॉल ट्रैप से बचने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें पर्टिकुलरली पहले एक की बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट जहाँ मार्केट, लाइक मार्केट मान के चलिए मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट ने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया अपना 100 रुपये पे, ठीक है, तो मार्केट 100 से 120 गया, 120 से वो फिर से 100 आया, फिर दोबारा 100 से वो 140 तक गया, उसके बाद फिर से वो दोबारा 100 पे आया। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाता है बट दोबारा से जब नीचे आता है तो 100 से फिर से ऊपर चला, 100 को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो हम 100 को मानेंगे एक तरीके से कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका समझाऊँ, मान के चलिए एक ये वाला लेवल है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया। अब मार्केट, आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन मतलब प्राइस वहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगा एक तरीके से। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से मिनिमम मार्केट 2 पॉइंट्स के बाद जब तीसरा पॉइंट मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कि मार्केट यहाँ से नीचे जा नहीं पा रहा, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं जब भी प्राइस रेंज इसके आसपास आता है 100, 102। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो सपोर्ट इस चीज़ को बोलते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में हम बिटकॉइन में ट्रेड करने की आपका ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बिटकॉइन के ऑलरेडी चार्ट पे हैं, ठीक है, यूएसडीटी में है, तो हम इसको देखते हैं। अब अगर हम इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ कहाँ बन रहा है मार्केट का। ठीक है, चलिए सबसे पहला सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सपोर्ट हमेशा देखिए एक लाइन में नहीं बनता, मैं आपको क्लियर बता दूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट 100 से 99 गया तो सपोर्ट ब्रेक हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। सपोर्ट ब्रेक कब होता है, जब 100 के नीचे, 100 से मार्केट 99 गया, 99 से 98 गया, वहाँ पे सस्टेन करे। ऐसा नहीं है कि जस्ट टच करके वापस ऊपर चला गया और आपने नीचे ट्रेड ले लिया, शॉर्ट पुट साइड की ट्रेड ली है, शॉर्ट साइड की ट्रेड ले ली और आप वहाँ पे ट्रैप हो गए, आपका जस्ट एसएल खा जाएगा मार्केट और वहाँ से फिर से वापस आ जाएगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना, एक सपोर्ट हम ऑलवेज जोन में ही ड्रॉ करेंगे जो कि बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू लाइन। मान के चलिए मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, बॉडी टच कर रही थी यहाँ पर बार बार, ठीक है, ठीक है। अब आपने अगर मान के चलिए, मैं आपको समझाता हूँ, ये एक सपोर्ट ड्रॉ किया है मैंने, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा, मार्केट ने जस्ट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके जैसे ही आपने यहाँ ट्रेड ली होगी और इस यहाँ पे एसएल रखा होगा, क्योंकि इतना ऊपर एसएल आप नहीं रख सकते, 25,000 से 28,000 पे एसएल आप नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्विंग हाई पे एसएल रखा होगा, लो पे एसएल रखा होगा, वो डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे स्विंग हाई पे एसएल रखा, ठीक है, यहाँ पे, और एसएल आपका हिट हो गया, देखिए उसके बाद प्राइस वहाँ तक भी नहीं आया कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाते, तो एक ये चीज़ है। बट अगर आप इस सपोर्ट को सपोर्ट जोन की तरह ड्रॉ करते हैं, कि एक जोन में ड्रॉ करते हैं, तो लाइक अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ जिसमें, अब बताइए, अब आप ट्रेड लेते हैं, नहीं ना, अब आप अप साइड की ट्रेड लेते हैं, नीचे एसएल रखते, ऊपर की साइड का टारगेट रखते, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगर आपने यहाँ पे, लाइक अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता सपोर्ट पे, ठीक है, और आपने ऐसे लाइक टारगेट रखा होता आधा, तो आप देखिए 6%, 6 भी छोड़िए यार, आप 1% पे भी अगर फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे होते 10x लेवरेज के साथ, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट, अगर आप 1% पे भी निकलते तो अच्छा खासा आपको हैंडसम प्रॉफिट मिल सकता था नेक्स्ट ही ट्रेड में।
देखिए ये कितना तगड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। कैसे, आइए देखते हैं। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया। मार्केट ने यहाँ से दोबारा इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी रिजेक्शन लिया, फिर से मार्केट सस्टेन कर गया। मार्केट ब्रेक कर नहीं कर पा रहा। अब ब्रेक करेगा तो अगर मार्केट इसको बहुत बड़ी बिग बार कैंडल के साथ ब्रेक करता है और फिर सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड सोच सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी लाइक बायर्स नॉट अ सेलर। ओके, एक ये हो गया सपोर्ट। अब हम पीछे जाके देखते हैं सपोर्ट कहाँ कहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं इस मार्केट को देखते हुए। देखिए एक सपोर्ट तो आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट आया टिका, मार्केट आया टिका। अब देखिए अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊँ आपको, देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब देखिए मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाया। अब देखेंगे मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके हमेशा ऊपर ही गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो कहीं भी आपने सेल किया होता है ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है आपको, वो एक अलग बात है। आप अपने टारगेट्स पे निकल गए होंगे, वो एक अलग चीज़ है। बट सपोर्ट ड्रॉ करना ज़रूरी है ताकि आपको एक्चुअली पता हो कि मार्केट कहाँ और कितना नीचे जा सकता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने पीछे से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए होंगे वो इतने वैलिड रहेंगे, उन्हें ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि सारे ट्रेडर्स जानते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट है, इसे तोड़ने के लिए पूरी मार्केट को अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये सपोर्ट हो गया। अब मार्केट को और एक चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब उनका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। अगर ब्रेक डाउन होगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ब्रेकआउट होगा तो उस रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको शायद पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो और एक चीज़ और बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, लाइक 1 दिन के टाइम फ्रेम में आप कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क किया, मान के चलिए, ठीक है, तो उसका क्या सबसे अच्छा रीज़न होगा, मैं आपको बताऊँ कि 1 आवर का टाइम फ्रेम जो, लाइक 1 डे का टाइम फ्रेम जो होगा उसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए होंगे वो ज़्यादा वैलिड होंगे एज कम्पेयर टू 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ओके, एंड सेम चीज़ आती है, अगर आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है तो वो ज़्यादा वैलिड होंगे एज कम्पेयर टू 30 और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हम हमेशा एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे या 1 डे में। मोस्टली अगर आप लाइक नॉर्मल सिर्फ ट्रेड करते हैं, नॉट इन फ्यूचर्स, तो आप 1 आवर में ट्रेड, अगर आप नॉर्मल क्या कहते हैं हमें फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप 15 मिनट से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ट्रेड हम 5 मिनट्स में करेंगे या 15 मिनट्स में करेंगे वो आगे देखेंगे, बट 15 टू 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप मार्क करते हैं तो वो ज़्यादा वैलिड रहता है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, अब इसके बाद मार्क करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको अच्छे से और समझाते हैं। अब इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ से देखिए ये एक चीज़ सी यहाँ तक मार्केट में कितना बढ़िया मोमेंटम, मार्केट गिरता हुआ आ रहा था ऊपर से, लाइक आप मान के चलिए 47,000 से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था लगातार, मार्केट यहाँ पे आया, एक रिजेक्शन लिया। हमने सिर्फ अभी लेटेस्ट में ड्रॉ नहीं किया, पहले 1 पॉइंट मार्क किया दिस, फिर दोबारा से मार्केट आया, फिर मार्क किया तीसरी बार। अब ये बहुत तगड़ा सपोर्ट हो गया, आप यकीन मानेंगे तो मार्केट को इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए कितना टाइम लगा होगा, अगर मैं इसकी इन्फो लाइन निकालूँ, जस्ट गिव मी वन सेक, तो मार्केट को अप्रोक्सीमेटली 143 डेज लगे इस सपोर्ट को तोड़ने में के लिए। और जब मैंने आपको अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही बोला था अगर सपोर्ट टूटेगा तो वो एक बिग बार कैंडल से टूटना चाहिए और उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए तब, अदरवाइज नहीं टूटता सपोर्ट इतनी आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। देखिए मार्केट ने कितना अच्छा, इसके बाद अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता, अगर आप यहाँ भी निकले होते लाइक फर्स्ट टारगेट पर भी निकले होते जो कि आप मान के चलिए यहाँ से आपने 1% का भी रखा होता, 12% का सीधा सीधा टारगेट, सिंगल कैंडल में मार्केट ने 4.5% का मूव दिया हुआ है सपोर्ट से। तो ये होता है सपोर्ट पे ट्रेड लेने का फायदा। अब सपोर्ट पे ट्रेड कैसे लें ये भी देख लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या बना हुआ है आप देखिए,
ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बना हुआ है, बुलिश एंगल फिर कि पीछे की पूरी कैंडल को उसने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आप इसके क्लोजिंग पे भी या क्लोजिंग पे भी ट्रेड लेते और एसएल आप इसका यहाँ पे रख लेते लाइक 19,302 पे ले लेते और ट्रेड ले लेते आप 20,000 पे भी, तो लाइक एसएल अगर आप यहाँ पे भी ले लेते नेक्स्ट कैंडल के लिए तो इट विल लाइक हाँ कि आप यहाँ पे सपोर्ट के नीचे आप अपना वो रख लेते क्या कहते हैं एसएल, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप अपना एसएल रख लेते और यहाँ से आप ट्रेड करते हो अगर एसएल को लेके जाते तो जब तक आपकी कोई रेड कैंडल मेजर रेड कैंडल नहीं बनती तब तक आप ट्रेड और स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते थे। इस कैंडल के बाद स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा लेते, जब ये कैंडल बनी इसके स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेते तो आप ट्रेड से निकल सकते थे दैट एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको हो सकता था, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस अब ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से मार्केट अप साइड से रिजेक्शन ले रहा है, सपोर्ट में डाउन साइड से रिजेक्शन लेता है और रेजिस्टेंस पे अप साइड से मार्केट रिजेक्शन लेता है, ठीक है। अब रिजेक्शन किस तरीके से आता है मार्केट में देखते हैं कि भाई इसको अगर हम बायर और सेलर के नहीं दे सकें कि नहीं नहीं प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया अब नीचे आएगा तो हम खरीदेंगे, ठीक है, अब इससे प्राइस ऊपर नहीं जा सकता ये बहुत ज़्यादा भाव ऊपर हो गया, तो वो रेजिस्टेंस होता है कि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल सेट हो जाता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं, लाइक 20,000, 90,000, जीरोज में जब हम बात करें 19,900, 500 ऐसे जब हम बात करते हैं तो इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कहा जाता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते भाई 999 हो जाएगा तो खरीदूंगा, हम लोग क्या कहते हैं 1,000 पहुँच जाएगा तो बेचूंगा या 900 पहुँच जाएगा तो बेचूंगा, 900 मतलब जीरोज में हम ज़्यादा बात करना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू 999, 988 का हो जाएगा तब खरीदूंगा, ऐसे हम बात नहीं करते, हम नॉर्मल बात करते 950 ऐसे करके हम बात करते हैं, तो वो हमारे माइंड में रहता भी है, ठीक है। अब अगर हम इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करें कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था तो हम देख सकते हैं कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ से ले रहा था, एक पॉइंट आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए कि मार्केट एक सपोर्ट की तरह काम किया पहले, ठीक है, मार्केट फिर इसके लिए यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस बन गया कि यहाँ उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से फिर इसने ब्रेक किया तुरंत ही नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसके ऊपर गया अगली कैंडल रेड बनी जस्ट से नीचे आ गया, सस्टेन ही नहीं कर पाया क्योंकि वो जो आपकी ई एम आई थी उससे रिजेक्शन लेके जस्ट वापस आ गया, ई एम आई आपकी 25 ई एम आई से रिजेक्शन लेके वो वापस आ गया। अब रेजिस्टेंस को अगर हम प्रॉपरली देखा जाए तो इसको कर लेते ड्रॉ, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो एक पर्टिकुलर अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया वापस आ गया, देखिए पर्टिकुलर उसका कितनी तगड़ी रैली देखी गया नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, हल्का सा बायस को ट्रैप किया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ब्रेकआउट किया है मैंने, जैसे ही किसी ने यहाँ ट्रेड लिया होगा एसएल जस्ट नीचे स्टॉप ऑब्वियसली बात है अपने सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया तो जस्ट के नीचे एसएल रखा होगा सबने, यहाँ पे कहीं यहाँ कहीं सिंगल कैंडल में मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मार्केट ने एसएल हिट किया देन मार्केट नीचे की तरफ गया, देखिए कितना तगड़ा नीचे की तरफ मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है। अब इस चीज़ में आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं और इन पर ट्रेड कैसे लेना होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी वाले रेजिस्टेंस जो सॉरी सपोर्ट है इसको मैं अगर पीछे की तरफ ड्रॉ करूँ, देखिएगा एक चीज़ आपने सीखी, जितना पीछे से ड्रॉ करते हुए आएंगे उतना आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब वही रेजिस्टेंस ऊपर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया होगा, ये आपको दिख रहा है, लोगों को लगा ब्रेकडाउन हो रहा है, लोगों ने ट्रेड ली एसएल ऊपर रखा होगा ऑब्वियस बात है एंड सिंगल कैंडल योर एसएल विल बी हिट, तो आपको ट्रैप नहीं होना है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ तो देखिए मार्केट सस्टेन किया, पहले एक बिग बार कैंडल बनी उसके बाद एक और बिग बार कैंडल बनी, अब अगर आपने इसके बिग बार कैंडल के हाई पे ट्रेड लिया हो और इसका लाइक आधे पे उससे नीचे पे एसएल रखा हो एंड देन ट्रेड किया हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, क्यों, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में आया, ठीक है। अब बट पीछे से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा था, देखिए मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया या नहीं लिया, यस बिल्कुल लिया, अगर आप इसको और लाइक छोटा करेंगे मैं आपको इसको ऑटो में करता हूँ,
अगर मैं इसको और पीछे लेके जाऊँ तो देखिए ये रहा, मैंने नहीं यहाँ देखिए, मैंने यहाँ टाइम पास किया, टाइम पास करके इसको ब्रेक करते हुए ऊपर गया। ठीक है, एक्चुअली एक चीज़ और समझिएगा क्लियरली कि ऐसा नहीं है कि आपने 26700 पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो मार्केट एक्चुअली 26700 ही टच करेगा, वो ऐसा भी हो सकता है 26705 टच करके ऊपर चला जाए, तो ऐसा नहीं वो सपोर्ट वैलिड नहीं, वो सपोर्ट वैलिड है। बट एग्जैक्टली लाइक बिल्कुल आप आइडियल सोचें वो नहीं हो सकता, हमें प्रॉबिलिटीज में सोचना होता है। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारी एग्जिट कहाँ होगी, अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है तो SL कहाँ होगा वो पहले ज़रूरी है हमारा। ट्रेड लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में हम कितना घाटा खा सकते हैं। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, अगर स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए जा रहे हो तो प्रॉफिट अनलिमिटेड, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक आपका प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई, तो मैं कितने रुपए इस ट्रेड को दे दूं कि मैं इससे आउट हो जाऊं। ऐसा नहीं है कि आप लगे ही हूँ, आप मान के चलिए पूरा अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 10% मार्केट गिरेगा तभी मैं निकलूंगा, 10% मतलब भाई आपकी पूरी कैपिटल चली जाएगी, तो आप वहाँ देखोगे कि 0.5 या 1% मार्केट गिरा तो आपके 10% का लॉस हो गया, तो आप एग्जिट करो उस चीज़ को। इतना मेजर लॉस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट प्राइसेस। अब इन पर ट्रेड्स कैसे लेते हैं ये हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जब हम ट्रेड लें कि जैसे मैंने इस पर समझाया था बुलिश एंगलफिंग बना था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो एक परफेक्ट डोजी बना हुआ है, राइट, ये देखिए एक परफेक्ट डोजी बना हुआ है। यहाँ डोजी का मतलब क्या होता है, जहाँ प्राइस कॉन्स्टेंट है, ऐसे करके डोजी बना हुआ, प्राइस पहले ऊपर गया हो फिर नीचे गया हो, बायर्स और सेलर में लड़ाई चल रही है कि नहीं प्राइस ऊपर जाएगा नहीं प्राइस नीचे जाएगा, तो ये कैंडल होती है इनडिसीजन कैंडल होती है, इसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो डिसाइड करती है कि मार्केट अब नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें सिर्फ इसकी पर्टिकुलर, एक मिनट पहले मैं सारी चीज़ें डिलीट कर दूँ इससे ताकि आपको सारे ड्राइंग टूल्स डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए चलिए इसी को करते करिए। ठीक है, तो यहाँ जिसने भी बाय किया होगा ऐसा सोच के कि मार्केट शायद इसको ब्रेक कर जाए, राइट, अब उसका एसएल क्या होगा, इस डोजी के नीचे मान लेते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एसएल नहीं रख पाएंगे आप। तो एक चीज़ देखिएगा, जहाँ रेड कैंडल बनी ये कंफर्मेशन कैंडल बोल सकते हैं, अभी हम इस पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्या पता मार्केट, देखिए एक चीज़ और देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में आया पूरा, ये अप ट्रेंड में ही मार्केट आया, तो अब मार्केट के चांसेस है कि मार्केट गिरेगा क्यों, कोई रीज़न है, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आपकी, यहाँ रेजिस्टेंस तक पहुँच चुका है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको पीछे खींचता हूँ इधर की तरफ तो देखिए, राइट, 10 बार बोल रहा हूँ पीछे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, आगे से नहीं करने, ये से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, डोजी बना, रेड कैंडल बनी, एक और इनडिसीजन कैंडल बनी, फिर एक बिग बार कैंडल, अब उसके बाद उसके जस्ट बाद आपकी ग्रीन कैंडल, आप डोजी पे ट्रेड लिया होता सेल किया होता तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ होता, बट उसके बाद तो जस्ट ग्रीन कैंडल बन गई, आपने एसएल इसके ऊपर रखा होगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर ऐसा हुआ क्यों, ये ग्रीन बनी क्यों, इसका रीज़न था कि जिन लोगों ने यहाँ क्या कहते हैं बाय किया वो सेल कर रहे होंगे, राइट, तो जब सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई तो बाय कर रहा होगा, तो दैट्स वाई वी नीड अ परफेक्ट कन्फर्मेशन कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा, एक डोजी, दूसरा यहाँ सब के एसएल कट चुके हैं, मार्केट ऑलवेज मूव इन अ डायरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एसएल खाएगा, तो हमें उससे बचना है। अब देखिए बिग बार कैंडल, दिस इज़ अ वेरी बिग बार कैंडल, अगर आप बिग बार स्ट्रेटजी जानते होंगे तो आपको पता है बिग बार स्ट्रेटजी में क्या होता है, यहाँ ट्रेड लीजिए, इसके क्लोजिंग पे भी अगर आपने ट्रेड लिया हो या नेक्स्ट कैंडल में आपने ट्रेड लिया हो कि लाइक मैं आपको समझा देता हूँ एक बिग बार का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए ये बिग बार कैंडल है, ठीक है, अरे एक मिनट, ठीक है ये बिग बार कैंडल है, ये बनी मान लो उस कैंडल रेड कैंडल, और रेड कैंडल मान लेते हैं अभी के लिए डाउन ट्रेंड की साइड में। ठीक है, तो हम ट्रेड ऐसे नहीं लेंगे, हम ट्रेड कैसे लेंगे, पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए, इसका लो तोड़े और फिर हम ट्रेड लेंगे इसके लो पे, ऐसे लोग हमारा ये इसका हाई, इसका हाई अगर छोटा है तो इस कैंडल का आधा, ठीक है, फिर हम उसको ट्रेल करेंगे, देखिए
इस कैंडल का हाई रखा होता है सेल, ठीक है, अब प्रॉफिट देखते हैं कितना होता है, 6%। अगर आपको बिटकॉइन में 6% का प्रॉफिट हो रहा है वो भी नेक्स्ट 3 डेज में, क्या चाहिए? और दैट्स हाउ वी गोना ट्रेड इन आर नेक्स्ट वीडियोस। लाइक आई एम गोना टीच यू हाउ टू डू ट्रेड एंड हाउ टू टेक अ ट्रेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, कैसे टेबल पे प्रॉफिट ना छोड़ें। कि अब मान के चलिए इस कैंडल में प्रॉफिट हो रहा होता, ठीक है, यहाँ तक आपका प्रॉफिट होता, आप प्रॉफिट बुक भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100% प्रॉफिट आप 27,000 पे ही जाके काटेंगे, नहीं, हम साथ की साथ प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। उसमें से मान के चलिए आपका 50% टारगेट अचीव हो गया, तो आप वहाँ से 25% या 50% अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाइए। तो उससे क्या होगा, जाएगा कुछ नहीं, आएगी पूरी दुनिया। नॉर्मल से हिसाब इसका क्या रहेगा, लॉस होने के चांसेस जीरो हैं, जीरो तो नहीं है, अगर आपका एसएल हिट भी मतलब लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लाइक 0.2% 0.03% जो भी थोड़ा बहुत इधर फ्लक्चुएट करके मार्केट टिकट पे ऑर्डर पे नीचे चला गया तो थोड़ा हो सकता है, बट मेजर लॉस नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा हो गया $2-3 का लॉस हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेजरली आप 50% अपना टारगेट अचीव कर चुके थे। अब 50% के जैसे अपने टारगेट 75% टारगेट पहुंच गया, तो आप वहां से फिर से कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए, एसएल को 50% पे ले आइए। अब आपको लॉस होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, आपको पता है आप प्रॉफिट में, तो आप फिर उस ट्रेड को चलने दे सकते हैं जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। दैट्स हाउ वी गोना ट्रेड इन द मार्केट एंड दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सबसे मेजर काम, आपको ये बताना कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा, आपको ये समझाना प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा। इनको ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, डू अ प्रैक्टिस, चेक करिए मार्केट वहाँ से कितनी बार रिजेक्शन ले रहा है, 2 बार के बाद अगर तीसरा पॉइंट भी वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हैं, 2 से 2 है तो हम उसको टेंटेटिव मान सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, इसका मेजर पॉइंट ये रहेगा। सेकेंड चीज़ आपको मैं एक चीज़ क्लियरली समझा दूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो और वहाँ सस्टेन करे तभी आप उस साइड की ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से बनते हो रहे दैट मीन्स वो बहुत स्ट्रांग है। 1 डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू 30 मिनट्स या 1 आवर के। तो याद रखिए अगर आप वन डे में ट्रेड करते हैं तो उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत तगड़ी कैंडल बनानी पड़ती है, मारुबुजो कैंडल जिसको बोलते हैं, मारुबुजो कैंडल जो कि एक बिग बार कैंडल होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट ने जब ब्रेक किया तो आप देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, आप देखिए ऑलमोस्ट 9% मार्केट ऊपर गया तब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर पाया, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ देखेंगे, सॉरी एक मिनट, ये देखिए ब्रेक किया ऊपर गया सस्टेन किया, अब देखिए सेम चीज ब्रेक किया नीचे आया सस्टेन किया, देख रहे हैं? तो ये है इसका लॉजिक, ना कि ये कि बस हल्का सा ब्रेक किया लाइक दिस यहाँ ट्रेड ले ली। देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता यहाँ ऐसे लेट हो गया होता, यहाँ ट्रेड लिया होता यहाँ ऐसे लेट हो गया था, यहाँ ट्रेड लिया होता, ये हर मार्केट में काम करता है, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, कहीं भी ट्रेड करते हो, फॉरेक्स कमोडिटी कहीं भी, डेरिवेटिव्स में कहीं भी, फ्यूचर ऑप्शंस कहीं भी आप ट्रेड करेंगे ये आपके साथ होगा, ट्रैपिंग ज़रूर होती है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि कोशिश रहती है कि वो ट्रेड ले, वी डू अ क्वालिटी ट्रेड नॉट अ ट्रैपिंग ट्रेड, कि बस हमें लग रहा है ब्रेक होगा हमने ट्रेड ले ली, हमें लग रहा है हैमर कैंडल बनेगी, चाहे वो बन रही हो या ना बनी हो हमें लग रहा है नहीं, वी हैव टू थिंक इन द प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। सबसे पहला ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए टारगेट से पहले स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जाके। अब इसका सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, मान के चलिए हम नॉर्मली 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, हम हर ट्रेड का टारगेट रखते हैं आपका 4% का, ठीक है, 4% का टारगेट रखते हैं, ठीक है। 8 ट्रेड हम ऐसे ही करते हैं जिसमें हम हर ट्रेड में $5 का लॉस खा रहे हैं और हम ट्रेड खोल रहे हैं मान के चलिए $100 की, ठीक है, हाँ। तो गाइस मैं कहाँ था, मान के चलिए लाइक एक मिनट में समझा देता हूँ आपको दोबारा से, इसको डिलीट करते हैं। अगर हम मान के चलिए 5 ट्रेड लेते हैं दिन में
और मान के चलिए तीन ट्रेड में हम पर ट्रेड $2 का लॉस करते हैं, तो हमारे कितना लॉस हो गया, $6 का आसपास, राइट। पर हम उसके अलावा दो ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, हमारा टारगेट होता है 4% का, ठीक है। तो दो ट्रेड में हमने 4% का प्रॉफिट किया, ठीक है। हमने पर ट्रेड में आप मान के चलिए हमने हर 0.5% का लॉस किया था तीनों ट्रेड में। अगर हमने 0.5% का लॉस किया था तीनों ट्रेड में, तो हमको समझा देता हूँ, तीन ट्रेड में अगर मैं 0.5% का लॉस कर रहा हूँ तो 1.5, तो मैं 1.5% अपनी कैपिटल ब्लो कर रहा हूँ इस ट्रेड्स में, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी देखिएगा इसमें, दो ट्रेड में मैं सिर्फ 4% का, 8% माइनस 1.5%, और आप फीस वीस लगा के मान के चलिए 2%, 6% मैं अपनी कैपिटल बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या पहले डिफाइन कर रखा था कि मैं लॉस कितना लूंगा, मैं लॉस कितना लूंगा, 0.5% इन एवरी ट्रेड, मैक्सिमम 1%। तो वो पहले हमें डिफाइन करना होगा कि मैं लॉस कितना लूंगा। टारगेट 4% है, वो 10 भी हो सकता है एक ट्रेड में, वो डिपेंड करता है कि ट्रेड कितनी सही जा रही है। बट अगर गलत जा रही है तो वो मैटर करता है कि हम कैसे उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम हमेशा ट्राई करेंगे कि अगर हमने सपोर्ट पे ट्रेड लिया, किसी हैमर कैंडल पे लिया विद कंफर्मेशन, या किसी बुलिश कैंडल पे लिया, मान के बुलिश एंगलफिन कुछ भी कह लीजिए, बुलिश एंगलफिन कह लीजिए, ठीक है, या डोजी बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार आपका बना हुआ है मॉर्निंग स्टार वहाँ पे, तो अगर हम वहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर। अब एसएल कहाँ होगा, एसएल हमारा ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ तो एसएल हमारा सपोर्ट के नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके या डोजी के जस्ट नीचे, तो हिट भी होगा तो 1% चला जाएगा। बट अगर सही हुआ तो आप स्टॉप लॉस ट्रेस करते हो ऊपर जो रेजिस्टेंस है वहां तक जा सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी गोना ट्रेड इन द फ्यूचर, ओके। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे आता है, सपोर्ट जहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, ये क्लियर है। ये रहा सबसे सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट्स में आप बात मुझे शेयर कर सकते हैं ना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइस, ओके। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक जो कि बंदे कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की, ठीक है, वो एक देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की, कि कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की। जो नॉर्मली आजकल लोग करते हैं वो एक लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तोड़ा नीचे आ गया, एसएल गया तोड़ा नीचे आ गया, फिर से एसएल गया, यहाँ से अब इसने रेजिस्टेंस ले लिया, बट यहाँ आपका एसएल था तो हिट हो चुका है, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आया। तो ये देखिए ना, ये वन डे के पे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है ना, कि मार्केट ने सिर्फ यहाँ एक बार टच किया, दो बार, तीसरा तो ब्रेक कर दिया उसने, फिर से नीचे, तो हम इसको वैलिड नहीं मारेंगे। वैलिड हम कब मारेंगे चीज़ों को, जब मार्केट बहुत स्ट्रांग, लाइक वहाँ से तीन चार बार रिजेक्शन लिया है, तो हम उसको रेजिस्टेंस से सपोर्ट मारने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए, नीचे देखिए, जब हमने एक जोन क्रिएट किया हुआ था ब्रेक किया जस्ट ऊपर चला गया, अगर हमने इस पर ट्रेड लिया तो भी लॉस हो जाता। जस्ट सी दिस सी दिस सी दिस चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने, ब्रेक किया तब ट्रेड लेते हैं, दैट विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, नो डाउट। अभी आपको समझाया था, एक बार कैंडल ऊपर गया नीचे आया देन वी ट्रेड, तो दैट्स हाउ वी गोना ट्रेड। बट इसमें ऊपर नहीं गया, वो वहीं से ऊपर गया जस्ट नीचे आ गया। अब अगर यहाँ पे भी ट्रेड लेते यहाँ ऐसे लगते तो भी आपको प्रॉफिट होता, बट आपको नेक्स्ट डे निकलना पड़ता क्योंकि आपका ऐसे हिट होने के चांसेस थे, बट अभी तक हिट नहीं होता क्योंकि आपने इसके ऊपर भी ऐसे रखा होता तो भी आपका ऐसे हिट नहीं हुआ होता, एक अच्छा खासा आपको हैंडसम प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो ट्रेड इन क्वालिटी नॉट इन क्वान्टिटी, रिमेंबर दैट, ट्रेड ऑलवेज इन क्वालिटी नॉट इन क्वान्टिटी, ओके। ट्रेंड लाइन्स, ये मैं आपको नेक्स्ट चीज़ में समझाऊंगा कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड लाइंस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ट्रेंड लाइंस बहुत अच्छा काम करती हैं इन कंपेयर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती हैं, बट उनको ब्रेक करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम फ्रेम में हम ड्रॉ करेंगे लाइक वन डे में, तो वो ब्रेक करना थोड़ा सा लाइक बहुत कह सकते हो हार्ड टास्क हो जाता है, क्योंकि उसे ब्रेक करने के लिए फिर मार्केट वहाँ से बहुत गंदा मूव देता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड फॉर टुडे, ओके। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, तो देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं, ओके। थैंक यू सो मच गाइस।